वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। उद्यम मंत्रिमंडल में कोटे के बंटवारे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब ये तय हो गया है कि किस दल से कितने मंत्री बनेंगे इस सरकार में। बताया जा रहा है कि एनसीपी से 16 मंत्री होंगे, जबकि पहले शिवसेना से 15 और कांग्रेस से 12, जो कि पहले सहमति बनी थी उसके मुताबिक। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में एनसीपी को एक सीट ज्यादा दे दी गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी जुड़ गए हैं। साहिल, सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं वो एनसीपी के कोटे से? जी बिल्कुल, एनसीपी ने जो स्पीकर का पद कांग्रेस के लिए छोड़ा, उसके बाद एनसीपी ने एक मंत्री पद ज्यादा की मांग की थी, जिसके मुताबिक अब एनसीपी के पास 16 मंत्री होंगे, 15 शिवसेना से और 12 कांग्रेस के मंत्री होंगे। शरद पवार ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि एनसीपी को मुख्यमंत्री पद सिर्फ मिल पाया है, जिसका वैसे देखा जाए तो कोई अहमियत है नहीं, जिसके चलते अब एनसीपी के कोटे में एक मंत्री पद की संख्या बढ़ गई है और जिसके चलते अब एनसीपी के सबसे ज्यादा मंत्री इसमें होने वाले हैं। कुल मिलाकर अब 42 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री, यानी 43 लोगों का ये पूरा मंत्रिमंडल होगा। पोर्टफोलियो क्या होंगे ये कुछ दिन में अब तय हो जाएगा। साहिल, ये साफ हो पाया कि कब तक ये साफ हो पाएगा, कब विस्तार होगा, कब ये साफ हो पाएगा कि कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है? विस्तार तो अब 16 तारीख से नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन हो रहा है जी। उसके बाद ही अब ये विस्तार होगा, ये करीब करीब तय माना जा रहा है। उससे पहले सिर्फ किस मंत्री को किस विभाग का जिम्मा मिलना है ये पहले तय होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साहिल जोशी आपका। तो आपको बता दें कि एक मंत्री पद ज्यादा दिया गया है एनसीपी को, और आपको बता दें ये भी कि बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।